हरताला तीज भाद्र पक्ष की तृतीया के दिन आती है। यह बालू से बना शिवलिंग है। यहाँ महिलाओं अपनी पूजन पाठ करने के लिए आते हैं और उस दिन यहाँ भूखे प्यासे रहती है महिलाओं और इसका शिवलिंग का पूजन पाठ करते हैं और दही दूध शक्कर पंचामृत पूरा चढ़ता है और ककड़ी भुट्टे और सब फलों से जैसे पार्वती ने कृष्ण शिव जी को पाने के लिए करा था उसी प्रकार से यहाँ पे भी जितनी भी महिलाओं और कुमारी महिलाओं अपने वर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आती है। श्री महादेव के अंतर्गत आता है। छठ महादेव मंदिर है यहाँ पर और यह बालू से बना हुआ शिवलिंग है और इस दिन हरतालिका तीज के दिन बालू का शिवलिंग के निर्माण का ही पूजन का महत्व है। यहाँ महिलाओं का यह है कि जब महिला ना यानी रात के 17 तारीख की रात को 12 बजे से पट खुलता है और 18 तारीख की रात को 12 बजे तक पट चालू रहते हैं यहाँ से। और जो भी महिलाओं ने दिन भर यहाँ पे पूजन पाठ 4 प्रकार की पूजन होती है उस पूजन में महिलाओं अपने पूजन पाठ करती है। रात के टाइम मतलब 12 बजे से हरतालिका तीज के एक दिन पहले 12 बजे से मंदिर खुल जाता है और दूसरे दिन रात्रि कालीन 12 बजे आरती होती है, मतलब पंचामृत वगैरह पूजन होती है। उसके बाद फिर पट बंद करते हैं और इस बीच मतलब 24 घंटे पूरे महिलाएं जल वगैरह चढ़ाती है, पूजन करती हैं। और यहाँ का मतलब ये शिवलिंग बालू रेती का बना हुआ है, इसलिए यहाँ मतलब हरतालिका तीज वाले दिन पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि पार्वती जी ने भी मतलब बालू के ही शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। इस प्रकार की प्रार्थना कुमारी कन्याएं मतलब अच्छे वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है, सुहागन महिलाएं अपने पति की मतलब लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है और निर्जल रहकर पूरा व्रत करती है महिला।